जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब मेरा साहिब। जय आशत है भाषा अंतमत है स्वागत है। इसके लिए परिश्रम करके आपको संसार की असारता नाशवानता समझाई, आपने निश्चय किया कि सतलोक जाना है। एक लिए क्या प्रैक्टिकल भी जा सकते हैं वो बताऊं? हाँ सुनो, हमारी आत्मा मन के पिंजड़े में अमर लोक जाने में सक्षम है, इसको कोई नहीं रोक सकता। पानी फेंक दो ढलान की तरफ खुद जाएगा, आत्मा नहीं भटकेगी, अपने ओरिजिन में पहुंच जाएगी। आत्मा को अमर लोक जाने के लिए कोई रास्ता बताने की जरूरत भी नहीं है। ऊंचाई से पत्थर को फेंको, सीधा जमीन की उसकी दिशाएं जमीन, क्योंकि उसका अट्रैक्शन जुड़ा हुआ है। इस तरह आपकी आत्मा से परमात्मा का सूत्र जुड़ा हुआ है, वहीं जाएगी, बीच में रास्ता नहीं भूलेगी, ठीक है। पर इसे पकड़ी हुई है, ये जकड़ी हुई है। गुरु ये बंधन काट देता है, आत्मा फ्री हो जाती है, ठीक है। आइए कैसे, नाम की ताकत से, नाम की कैंची से ये पूरे बंधन काटते हैं। कैसे? आत्मा अगर बंद है तो मन और माया के पिंजड़े में बंद है। जिस दिन नाम मिलता है और आप आत्मा ने अपने आप को अपनी ताकत से खुद बांधा है, इसको कोई बांध नहीं सकता, इसने अपनी शक्ति से अपने को जकड़ा हुआ है। गुरु कैसे बंधन काटते हैं सुनो। इस बंधन पर साहब ने एक शब्द कहा, आपापो आप ही बंध लो। वाह, आत्मा ने अपनी ही ऊर्जा से अपने आप को बांध दिया। यथार्थ में इस आत्मा को कोई बांध ही नहीं सकता, ये बहुत ताकतवर है, सिद्धांत ही है। आपा ही बंध लो, आत्मा को कोई जकड़ने वाला नहीं है। साहब कह रहे हैं जैसे स्वान है कांच मंदल में भरमत भूसो मारो, जैसे कुत्ता कांच के मकान में अपनी परछाई को देख करके, अपने ही रूप को देखकर दूसरे कुत्ते मानकर भौंक भौंक करके मर जाता है, उसे मारने वाला और कोई नहीं था, उसने अपने ही विरुद्ध अपनी ही शक्ति लगाई। साहब कह रहे जैसे स्वान कांच मंदल में भरमत भूसो भूको मरो, उस कुत्ते को कोई मारने वाला नहीं था, उसने अपनी ऊर्जा अपने ही मौत के लिए इस्तेमाल कर दी। आत्मा भी ऐसे ही कर रही है, जैसे नाहर कूप में अपनी प्रतिमा देख पड़ो, जैसे शेर कुएं में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके दूसरे शेर की कल्पना किया, दहाड़ा तो अपनी आवाज चंद सेकंड बाद प्रतिध्वनित होकर के वापस आई, उसने मान लिया दूसरा शेर है, कूद पड़ा और मर गया। उसे मारने के लिए कोई और चीज नहीं थी, किसी के दम नहीं था, इस मौत में उसने अपना दम लगा दिया। आत्मा ऐसे ही कर रही है, मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो। वाह भाई, बंदर सुराई में अपना हाथ डालता है चने निकालने के लिए, भीगे चने, और जकड़ लेता है अपने मुट्ठे में, अब हाथ खींचता है फंस जाता है, इधर से ताकत लगाता है ऊपर से बाहर निकलने के लिए, उधर उसने अंदर
फंसाने के लिए भी अपनी ताकत लगा रखी है, ऐसे कोई नहीं झगड़ा, उसने अपनी ताकत से अपने को झगड़ा। कहत कबीर नलनी के सुगना तो है कि हम पकड़े हो। इस तरह आत्मा अपने खिलाफ अपनी शक्ति खुद लगाए हुए है, इससे कोई नहीं बांध सकता। क्यों? ये मन के कारण भ्रमित हुई है। मन खुद पंगु है, लंगड़ा है, मन की अपनी कोई फोर्स और पावर नहीं है, आत्मा की शक्ति से मन काम कर रहा है। मन ने कहा चलो आम खाना है, बस आत्मदेव भी आम खाने के लिए चल पड़ता है। मन एक अपाहिज चीज है, अगर आत्मदेव नहीं करेगा तो मन का कुछ भी नहीं हुआ। मन ने कहा उठकर संजीव को तमाचा जड़ो, मन कहा आत्मा सहयोग नहीं दे तो मन का एक भी काम नहीं होने वाला, मन की चलेगी नहीं, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पर साहब ने एक शब्द बोला, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत कमान के साथ है, मन की ताकत रूह के साथ है, आत्मा का सहयोग नहीं तो मन जीरो है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए नामदान के समय पर गुरु आपकी आत्मा को परम चेतन करता है, इसी को नामदान देना कहते हैं। मन आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है, मन कैसे कैसे काम कर रहा है, आप में बदलाव आया, आप में बदलाव इसलिए आया, पहले मन जो कह रहा था आप किए जा रहे थे ये था बंधन, फिर मन की उंगलियां हैं, मन की और ताकत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, अब ये भी यूज नहीं, ये भी ताकतवर नहीं हो पा रहे हैं, आपके काबू में हो गए। सदगुरु ये करता है, अंतःकरण को जगा देता है, इस चीज को नामदान कहते हैं। ये बदलाव आप अपने अंदर देख सकते हैं। पहले मन जो कह रहा था आप किए जा रहे थे, मन के गुलाम थे आप गुम थे, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी तामे द्विन समाय। अब मन बेबस हो गया, मन कहता है ये करो वो करो, आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है मन की पिंजड़े से आप निकल रहे हैं, इच्छाएं कटती जा रही हैं, जगत निरस्त, आसक्ति खत्म होती जा रही है, आप केवल आत्मा होते जा रहे हैं। ये नाम इस तरह से पूरे पूरे बंधन कैंची की तरह काटता चल रहा है, आत्मा फ्री हो जाएगी। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, तब इस आत्मा को जाने में कहीं नहीं। इसलिए गुरु जीवन मुक्त बनाता है, मन के पिंजरे से बाहर निकाल देता है। मन ही जन्म मरण का कारक है, आत्मा को किसी भी काम की जरूरत नहीं। आपको अनुभव होगा कि नाम की प्राप्ति के बाद आप निर्मल हो गए, बदल गए, काग पलट हंसा कर देना, क्योंकि आप चेतन हो गए। अब मन भी समझने लग गया ये मेरी महत्वाकांक्षा मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करेगा। यही बदलाव आपके जीवन में आया नाम की प्राप्ति के बाद, परम बदलाव आप महसूस करते हैं। यह है नाम, इस सिद्धांत से आपको संसार सागर से पार कर देगा। सुरत जात नहीं लागत बारा, अब आत्मा किसी भी कीमत में मन का अनुकरण नहीं कर रही है। मन तरंग में जगत भुलाना, साहब इसी जगह पर एक बात कह रहे हैं, मन ही निरंजन सभय नचाई, दुनिया को नचा रहा है पर नाम होए तो मात नवाई। यानी नाम, नाम की ताकत के बिना मन का सही सही नक्शा, मन का सही सही स्वरूप आपकी आंखों के सामने आ जाता है, तब आप मन से एक पल भी कभी अचेत नहीं रहते हैं, हमेशा आप मन पर सवार हो जाते हैं, आप मुक्त हो गए। इसी स्थिति का नाम है जीवन मुक्त होना। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, वो ही शान शाह है जाको ना ही चाह। जगत के पदार्थों का अट्रैक्शन आपका खत्म होता गया, धीरे धीरे हृदय निर्मल होता गया, आप इसका आभास करते हैं कि नाम की प्राप्ति के बाद आप बदले। इस तरह ये वस्तु हैं, ये सिद्धांत हैं। धीरे धीरे इच्छाएं खत्म होती जाएगी, अट्रैक्शन खत्म होते जाएंगे, विकार खत्म होते जाएंगे, ये सब मन से उत्पन्न होते हैं। मन ही विकारों की तरफ दौड़ाता है, मन ही कर्म भरम उपजावे, मन ही बाजी घर का बांद्रा, ऐसा जीवन साथ नाना नाच नचाई के राखे अपने हाथ, अशांत करता रहता है। टेंशन बाकी ये चीज़ें मन से हैं, हर भाव मन उत्पन्न करता है, तब मन का कोई भी भाव आप पर इफेक्टेड नहीं होता है, आत्मा उसका अनुकरण कभी भी नहीं करती है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात तब अमर लोक जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कलि में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतर हो पा रहा।
जब भी आप एको ईश्वरवाद की तरफ चलेंगे तो इस मंजिल में रुकावटें आएगी, उन रुकावटों का कोई ध्यान नहीं देना खास, क्योंकि आदमी अनन्य भक्तियों में उलझा हुआ है। दरअसल अपने हितों के लिए इंसान को अनात्म भक्ति अनार्य भक्तियों में उलझा दिया गया। ये एक धर्म की समस्या नहीं है, वरन संसार में जितने भी प्रचलित धर्म हैं सब में व्यावसायिकता आ गई, राजनीति आ गई। इस सत्य को हम निष्पक्ष होकर के स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? इस तरह से उलझ गया आदमी, कोई प्रेतों की भक्ति करने लगा, अमान्य हुआ। पूरे समाज की स्थिति यही है। अगर किसी माता बहन को सर में दर्द हो गया तो कहते हैं भाई सास की प्रेतात्मा इसके अंदर निवास कर रही है, इसलिए इसे सर में तकलीफ है। अब उस माता को लेकर के गुनिया सयाने चेले के पास लेके जा रहे हैं, ओझा तांत्रिक के पास लेके जा रहे हैं, अस्पताल नहीं पहुंचा रहे हैं। ये स्थिति बनी, आदमी भ्रमित है। आप देख रहे हैं कहीं बच्चा बीमार हो गया तो उसे यही बोला जाता है, नज़र लग गई, डायन मंत्र था, पड़ोसी ने ये काम कर दिया। अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो कहेंगे ये कुछ मान ही नहीं रहे। और इलिटरेसी के कारण से ये प्रभाव पब्लिक पर काफ़ी पड़ता है। संतों ने यहाँ आकर के सतर्क सावधान करके कहा कि एक परमात्मा की उपासना करो, दिल में खोजो, दिल में खोजी यही करीमा रामा। आइए हम देखते हैं। एक बार मेरे एक मास्टर साहब सत्संगी से कोई बात कर रहा था, बोला भाई तुम्हारे नियम बातें तो अच्छी हैं पर थोड़ा अंदर की तरफ चलो। हमारे मास्टर जी बेचारे जब बात कर रहे थे वो उनको उलझा दिए। मैंने मास्टर जी जब आए मैंने कहा भाई उनसे एक ही तो बात पूछना था, अंदर की दुनिया में किस खिड़की से जा रहे हो, ये तुम्हारी अंदर की दुनिया किस दिशा की तरफ है। अंदर की दुनिया में वधोवध कहेंगे वो पंच मुद्राओं में शुष्मना नाड़ी। मैंने कहा आप उनसे एक सवाल पूछना, शुष्मना नाड़ी के अंदर प्रवेश कैसे करें। वो किताबी और फर्जी बातें कुछ लोग किताबों में पढ़ करके नाना मत मतांतरों के लोग एक दूसरे से बहस करते हैं। मैं कह रहा हूँ पॉजिटिवली चलो ना, ईमानदार बनो ना। तुम अंदर की दुनिया में कैसे जाते हो? जब उनसे पूछते हैं सुषुम्ना नाड़ी में, वो बस यूँ कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी के अंदर परमात्मा तक जाने का रास्ता है, इतना काफ़ी नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है आखिर सुषुम्ना नाड़ी को खोलने का सूत्र क्या है, प्रज्ञावस्था में जाने का तंत्र क्या है, वो वहीं अटक जाते हैं, वहीं उलझ जाते हैं। इसी स्थान पर तो साहब ने एक बात कही, तेरा मेरा मनवा कसी को होई रे। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रहता उलझाई रे। भाई तेरा मेरा मनवा कस एक हो रे, कि तुम्हारा मेरा मन एक कैसे हो। केवल हम अगर शास्त्रों को पढ़कर दूसरे को पराजित करने के लिए ही वाद विवाद कर रहे हैं तो ये हम अपने से धोखा कर रहे हैं, इससे काम नहीं बनने वाला है। हमें ईमानदार होना होगा। मैंने कई बार इस सुषुम्ना नाड़ी और पंच मुद्राओं पर बातचीत की है। कुछ लोग समझते हैं अपने अंदर रोशनी देखी यही है अंदर का नज़ारा, जो हम प्रकाश की किरणें आंखों को जोर से दबाने से जो मूवमेंट देखी यही है अंदर का नज़ारा। ये सब भ्रमांक स्थितियां हैं, इनसे हम आत्मनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। ये सब माया के अंदर की चीजें हैं, ये सब माया हैं, ये सब भ्रमांक हैं। साहब ने एक शब्द में इसका अच्छा निरूपण किया,
संतों सो सदगुरु में भावे, आपसे बात करूंगा कि अंदर में कैसे जाएं और अध्यात्म जीवन क्या है, अध्यात्म शक्ति क्या है। ये जो थोथी मान्यताएं हम सब ने बना रखी हैं, लाइट देखी, अंदर में धुने सुनी, यही परमात्मा है, ये थोथी भ्रमांक मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं से कहीं ऊपर उठकर साहब ने आंतरिक ज्ञान की बात बोली है, अंतर रमण की बात बोली है और अध्यात्म की बात कही है। इस एक पद में साहब इसका निरूपण कर रहे हैं, संतों सो सदगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे वो ही सदगुरु मुझे भा रहा है, जो आवागमन मिटा देता है। दौलत डिगे ना बोलत बिसरे, अस उपदेश धराए, चलते फिरते हमेशा मैं कंसंट्रेट रहूं, ऐसा उपदेश बता दे। बिन श्रम हट क्रिया के से न्यारा, सहज समाधि लगावे, उसमें हठ योग ना हो, ये क्रिया योग ना हो, और जो सहज समाधि बता रहा है। सहज समाधि का मतलब है कि हम उसमें कोई उपक्रम नहीं करें, स्वस्थ हो। नानक देव जी ने भी कहा, इसी स्थान पर कहा, सहजे सहज पाइए, कह रहे द्वार न मूंदे, द्वार न मूंदे, आंख कान बंद करके कुछ लोग बैठ जाते, कह रहे द्वार न मूंदे, कान न रूंदे, द्वार न मूंदे, पवन न रोके। कुछ वायु का निरोध करते हैं, दसम द्वार तक जा सकते हैं, लेकिन वो भी वर्ला बिरल बिरल कोई जाएगा। ना अनहद उर्जावे, देखिए ना कितना बेहतरीन उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं अनहद में भी नहीं उलझना। द्वार न मूंदे, पवन न रूंदे, नहीं अनहद उर्जावे, अनहद के अंदर भी प्रवेश न ले, अनहद भी जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में उसको काल न खाए। बन्नुओं ये धुने तो माया के अंदर है, आगे साहेब वाणी में कह रहे हैं, द्वार न मूंदे, पवन न रोके, ना अनहद उर्जावे, सुरत जाए शब्द में राचे, निर्भय पद ठहरावे, तज धरणी आकाश अधर में प्रेम प्रेम मड़ैया छावे, सार शब्द की मुक्त शिला पर आसन अचल जमावे, सो सदगुरु में भावे। अर्थात यहां साहेब साधन का सूत्र बोल रहे हैं, कह रहे हैं सार शब्द की मुक्त शिला पर आसन अचल जमावे, तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छाए, शीश से सवात ऊपर कंसंट्रेशन पॉइंट बोला साहब ने, ताकि साधक ये महसूस करे कि मैं बिना शरीर के भी हूं। अब एक बात ये उठी, दसम द्वार या अंदर की दुनिया में अगर कोई दसम द्वार से भी जा रहा है तो माया ही तो देख रहा है। संगी